अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर, कैसे हैं आप लोग? और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया था रेनेसेंस के बारे में, और हमने पहले तीन आर्टिस्ट पढ़ लिए थे, तो हमने चौथे आर्टिस्ट यानी लियोनार्डो डा विंची के बारे में पढ़ना था। तो इसको लियोनार्डो डा विंची भी बोलते हैं, डा विंची भी बोलते हैं और डा विंची भी बोलते हैं, ठीक है। लियोनार्डो डा विंची तहरीक हयाए उलूम की मिसाली पैदावार समझा जाता है। इसको कई फ़नून और साइंस में दिलचस्पी थी और इसने अजीम तरीन ऑल राउंड जीनियस पर जो कि इंसानियत मुहैया की थी काबू पा लिया। वो एक ही वक्त में मुसविर, संगतराज, मौसीकार, इंजीनियर, मोजिद, रियाजीदान और ड्राफ्ट मैन में आला सलाहियतों का मालिक था। इसके मुतजस्सिस जहन ने इसे सब्जी, पौधे, जानवर और इंसान के मुतालिक की तरफ राग़िब किया। इसने जिस्मों को चीर फाड़ कर देखा ताकि इनके अमल जान सकें। इसने एक किताब साइंटिफिक बुक ऑन एनाटमी लिखी। मनाजिर में दिलचस्पी ने इसे माहौल और मरकजी पर्सपेक्टिव की तरफ मुतवज्जो किया। अच्छा, पहले हमने आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा था कि जी सबसे पहले पहले जो जिस आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा कि उसने जो है नेचर से जो है सबसे पहले नेचर के करीब रहने की वजह से और नेचर से प्रैक्टिस की वजह से जो है वो जो भी फिगर बनाता था वो नेचर के ज़्यादा करीब थे। तो जियोटो के बारे में हमने पढ़ा था, और फिर बाद में जब वो शहर आया और उसने बकायदा इसकी तालीम हासिल की और जब पेंट करना शुरू हुआ तो उस ज़माने में जो है वो मॉडल यूज़ नहीं किए जाते थे, तो लेकिन क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नेचर से थी तो उसने वो चीज़ उसके फिगर्स के अंदर नज़र आई पहली दफ़ा। और फिर एक जहनी सतह पर जो था फिगर और बैकग्राउंड का तासुर जो था उसकी पेंटिंग्स में नज़र आता था। फिर मसाचियो जो एक सदी के बाद पैदा हुआ उसके, तो उसमें हमने देखा कि वो फिगर की परफेक्शन थी उस उसकी पेंटिंग्स में, और जो साइंटिफिक रियलिज्म था वो हमें पहली दफ़ा नज़र आया, और इस तरह जो सही असूलों के तहत जो पेंटिंग थी वो हमें पहली दफ़ा नज़र आती थी, ठीक है। और उसने जो सच्चाई थी नेचर की और इंसान की वो उसने दिखाने की कोशिश की, और जो है वो फरिश्तों को वो पेंट नहीं करता था, वो कहता था मैंने नहीं देखा इसलिए मैं पेंट नहीं करूँगा। तो जो जो वक्त गुज़रा तो बड़े बड़े आर्टिस्ट पैदा हुए, और जाहिर है जब कोई एक बेस फरहम कर देता है तो लोग उससे ऊपर जाने जाते हैं या तरक्की करने के लिए उससे ऊपर ही जाया जाता है, उससे पीछे नहीं आया जाता। तो इसी तरह जो तहरीक हयाए उलूम की मिसाली पैदावार जो है ना वो समझा जाता है वो लियोनार्डो है। लियोनार्डो के बारे में कहा जाता है कि ये एक तहरीक हयाए उलूम की मिसाली पैदावार था, और इसने जो फ़न को तरक्की दी और जो जिद्दत दी वो इससे पहले वाले नहीं दे सके। अच्छा, अब इस ज़हीन तरीन इंसान के बारे में कहा जाता था कि ऑलराउंडर है, यानी कि ये एक ही वक्त में मुसव्विर और संगतराश भी था और इंजीनियर भी था, मौजिद, मौसीकार भी था, रियाजीदान भी था, ड्राफ्टमैन में भी ये आला सलाहियतें रखता था। इसके अलावा जो है वो चीज़ों की जड़ तक जाता था, मतलब अगर पौधा या सब्जी है तो ये कैसे है, किस तरह है, उसकी सारी जांच करना। और इंसानों के बारे में जो इसका मुताला था वो ये था कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये इंसानी मुर्दों को चीर फाड़ के उनके अंदर के मसल्स, उनके अंदर की वेन्स, उनके अंदर का स्ट्रक्चर और बोन स्ट्रक्चर तक को इसने स्टडी किया था। और उसके बाद ये एनाटॉमी के ऊपर इसने एक किताब बनाई थी जिसके अंदर इसने जो है जो मतलब फॉर एग्जांपल इसने अगर एक इंसान के बाजू के मसल्स की स्टडी की है तो स्किन के नीचे मसल्स किस तरह हैं, उनके साथ जुड़ी हुई वेंस किस तरह हैं, और फिर मसल्स के नीचे हड्डी की क्या सिचुएशन है, इन सारी चीज़ों की एक एक चीज़ की इसने इन डिटेल जो थी वो स्केचिंग की थी। और उसके ऊपर जो इसने एक किताब सी बनाई थी वो कहते हैं कि इंग्लैंड में 100 साल तक वो किताब इनको मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती रही है।
और इसके अलावा जो माहौल और मरकजी पर्सपेक्टिव था, यानी मैं जैसे बैठी हुई हूँ और मेरे पीछे अगर कोई सीनरी है तो उसका पर्सपेक्टिव कितना है और कैसा है और किस तरह है, उसको भी इसने बड़ी परफेक्शन के साथ बनाया था। ख़ास तौर पे जो इसकी मोनालिसा पेंटिंग है उसके पीछे जो इसने पर्सपेक्टिव बनाया है वो अपनी मिसाल आप है, वो बहुत खूबसूरत बनाया कि पहाड़ दूर से बनाया और उसके अंदर जाता हुआ रास्ता इसने, और उसके ऊपर पड़ती हुई लाइट को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पेश किया था। अच्छा, इसने इसके बारे में कहते हैं कि इसने अपनी इब्तदाई तरबियत विरोचियो के स्टूडियो में हासिल की 1455 से जो है 1499 इसका टाइम पीरियड है। मशहूर आर्टिस्ट विरोचियो एक मुमताज़ हरफन मौला ऑलराउंडर बड़ी सलाहियतों वाला फ़नकार था और इसने ही कॉलोनी का घोड़ा सवार मुजस्मा तख्लीक किया। अच्छा, अब ये जो है ये इसका के टीचर के बारे में बताया हुआ है। आगे लियोनार्डो स्कल्पचर, तो स्कल्पचर के बारे में इसके टीचर और इसके बारे में एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब ये विराचियो के स्टूडियो में काम करता था तो इसका जाहिर है कि उस्ताद बहुत बड़ा आर्टिस्ट था और उसको बड़े बड़े कमीशंस मिलते थे, तो वो मेन काम वो खुद कर लेता था, बाकी काम वो दे के चला जाता था कि बच्चे कर लें या बाकी लोग, बाकी जो उसके लाइक स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें ख़ास तौर पे ये लियोनार्डो को बहुत पसंद करता था, तो अक्सर इसको कह जाता था कि ये मैंने बना दिया तुम इसको पेंट कर लेना। तो उसने एक पेंटिंग बनाई जिसमें दो फरिश्ते पेंट करने थे, तो एक फरिश्ते का हेड टीचर ने खुद ही पेंट किया हुआ था और दूसरे का इसको कह के चला गया कि तुम इसको बनाना। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि लियोनार्डो ने फरिश्ते का जो हेड पेंट किया हुआ है वो उस्ताद के हेड से कहीं ज़्यादा परफेक्ट और रियलिस्टिक था। तो उसके बाद उसने कहा कि मैं आज के बाद पेंट नहीं करूँगा, यानी कि मेरा शागिर्द ही मेरे से इतना आगे निकल गया है। तो अब लियोनार्डो के स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब कोई वो कह रहे हैं कि कतई नमूना ऐसा मौजूद नहीं है जो कि इसके मुजस्मा साजी के बारे में हमें बता सके, लेकिन कहते हैं कि संग तराश की हैसियत से भी ये बहुत महारत रखता था और इसने एक बहुत बड़ा मिट्टी का घोड़ा सवार मुजस्मा बनाया जिसको ड्यूक ऑफ मिलान यानी वहाँ के नवाब के लिए जो है इसने कांसी में ढालना था, लेकिन माली और फनी वजूहात की बिना पर कभी डाला ना जा सका। और बाद में जब फ्रांस ने वहाँ पे इटली में जो है वो धावा बोला और जंग करने के लिए आए तो उन्होंने वो इतना ज़बरदस्त मिट्टी का बना हुआ घोड़ा सवार मुजस्मा जो है वो तबाह कर दिया। और ये जो हमला था ये 1409 में हुआ था। अब वो हम पढ़ते हैं लियोनार्डोस पेंटिंग के बारे में। विराचियो के स्टूडियो में बहैसियत एक शागिर्द के लियोनार्डो ने दो फरिश्तों के हेड पेंट किए। ऐसी तस्वीर जिसे इसके उस्ताद ने बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट का खिताब दिया। इस वक्त लियोनार्डो की उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन इसका काम अपने उस्ताद से बेहतर था, जिसकी अभी मैं आपको मिसाल दे रही थी कि इसके टीचर ने जो है इसके बाद फिर कभी पेंट नहीं किया था। 1472 टू 82 तक लियोनार्डो ने फ्लोरेंस में एक आज़ाद कमीशन के तहत काम किया। अच्छा, उसके बाद एडोरेशन ऑफ द मैगी इस ज़माने की मुतल्लिक है जो कि नामुकम्मल पेंटिंग थी। कई इब्तदाई ड्राइंग्स और कॉम्पोजिशन खाके एडोरेशन ऑफ द मैगी के लिए बाकी हैं। इससे इब्तदाई काम की मकदार का जो इसने हकीकी मानों में मुसवरी में काम करने से पहले किया इसको अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो एडोरेशन ऑफ मैगी की इन्होंने मिसाल दी, आप लोग सोच रहे होंगे कंप्लीट नहीं है तो हमें क्यों बता रहे हैं। दरअसल बात यह है कि जब उस ज़माने के ये मास्टर्स कहलाते हैं, लियोनार्डो हो गया, माइकल एंजलो हो गया, तो ये बहुत बड़े बड़े उस ज़माने के मास्टर्स थे। तो इनके काम करने के स्टाइल को बाद में देखा गया कि ये करते क्या थे कि ये इतने बड़े और इतने परफेक्ट आर्टिस्ट थे और उस्तादों के उस्ताद बने। तो दरअसल बात ये थी कि जब भी ये कोई पेंटिंग बनाने के बारे में सोचते थे ना, तो वो कई कई उनके जो है कॉम्पोजिशंस के स्केचेस बनाते थे कि मतलब एक एक एंगल से इन्होंने कुछ कॉम्पोजिशंस बनाई, कोई दूसरे एंगल से बनाई, कोई तीसरे एंगल से बनाई, लोग कम किए, कभी ज़्यादा किए, उसके टॉपिक्स को ऊपर नीचे किया, और जब कभी जाके एक परफेक्ट जो उनकी स्केचिंग थी वो निकलती थी तो वो उस
को ले जाके उसकी पेंटिंग कंप्लीट करते थे। तो वो ये कह रहे हैं एडोरेशन ऑफ द मैकी के बारे में, जो कॉम्पोजिशन के खाके मिले ना उनको ही देख के अंदाज़ा होता है कि क्या महारत थी और क्या काम करने का जो है वो तरीका था। अच्छा, मुसलसल लाइन रिदम और वर्जन मैरी का पोज लियोनार्डो की खसूसियात की मुंह बोलती तारीफ है। वर्जन बाएं रुख पर बैठी हैं जबकि इसका सर दाहिनी तरफ झुका हुआ है, और यही बात बच्चे की हरकत से जाहिर होती है। लियोनार्डो ने इस पोज को बहुत ज़्यादा शानदार गिना है और उसका इसने अपनी तस्वीर में अदा किया है। अदा मतलब बार बार इसने ये पोज बनाया है कि वर्जन मैरी जो है वो बैठी हुई हैं, तो वो अगर इस तरफ बैठी हैं तो मुँह इस तरफ है, यानी ये एस शेप बनती है, और गोद में बच्चा है तो उसकी भी जो बिठाने की जो रिदम है वो भी इसी तरह एस शेप में है। तो ये जो था फिगर्स को किस तरह कंपोज करना है, किस तरह फिगर्स को उनकी शक्ल देनी है, कैसे उनका डिज़ाइन करना है, कैसे कॉम्पोजिशन बनानी है, ये चीज़ें बड़ी महारत से सोच समझ के बहुत प्लान्स के बाद स्टूडियो में बार बार काम करके और उसके बाद जो था उसको फाइनलाइज किया जाता था।